पर मैदे के मोमोज तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं बहुत ही झकास और हेल्दी तरीके से सूजी के मोमोज बनाऊंगी, जिसे खाने के बाद मैदे के मोमोज को आप ऐसे भूल जाओगे जैसे सर्दियों में पंखे को। नमस्कार, मसाला भाई माला के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक ले लेंगे मिक्सी का जार, उसमें डालेंगे 1.5 कप सूजी। हाँ दोस्तों, 1.5 कप सूजी। अब क्या करना है, इसको हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे, जिससे इसका जो टेक्सचर है वो पाउडर जैसा हो जाएगा। ये देखिए, बहुत महीन पाउडर तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी पाउडर जैसा हल्का हो जाएगा, जिसे गूंदने में और उसको बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी, और साथ में ये हेल्दी भी बहुत है। तो सबसे पहले एक बाउल में इसको ट्रांसफर कर लेंगे। इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। ये देखिए, मैं यहाँ पे देसी घी डाल रही हूँ, आप जो भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी इसके अंदर अप्लाई किया है। मेल्ट करके अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे, इसे काफी अच्छा मॉइस्ट होगा और इसका टेस्ट भी काफी इनहेंस हो जाएगा। तो इस तरह से सूजी में सारे मैंने देसी घी को अच्छे से मिक्स कर लिया। नमक डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों। और अब क्या करना है, इसको हम गूंद लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने 1 कप पानी ले लिया, जितना पानी मेरा इस्तेमाल होगा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। एक चीज ध्यान रखेंगे, इसका जो डो है, आटा जो है इसका लगेगा, वो बहुत सख्त नहीं लगेगा, थोड़ा गीला ही इसका आटा लगाना है। क्यों? क्योंकि जब इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ेंगे तो ये थोड़ा सा टाइट होता है, पानी को ऑब्जर्व करता है। तो अगर हार्ड लगाएंगे तो मोमोज आपके फट जाएंगे, नहीं ठीक से बन पाएंगे। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे दोस्तों बनाते टाइम। तो ये देखिए, इतना गीला रहना चाहिए। आप देख रहे हैं इसका जो टेक्सचर है, हल्का सा लूज ही रहेगा। ये देखिए, बहुत लूज नहीं रखिएगा, थोड़ा लूज रखेंगे, जिसे हाथ में थोड़ा सा चिपचिपा रहता है ना, उस तरह से लूज रखना है। ये हमने गूंद लिया, थोड़ा सा गूंदना है, 5-7 मिनट अच्छे से इसको गूंदिएगा। उस पर ऑयल लगा देंगे, उसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 20 से 25 मिनट आप इसको रेस्ट पर छोड़ सकते हैं, आधे घंटे के लिए, 20 से आधे घंटे तक इसको रेस्ट के लिए छोड़ सकते हैं। अब तब तक हम सब्जियां कट कर लेंगे, जो इसके अंदर फिलिंग बनेंगी इसकी। तो सारी सब्जियां मैंने कट कर ली, कुछ मसाले जो इसके अंदर डाले जाएंगे वो भी मैंने ले लिए हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई रख ली, और दोस्तों यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। इसमें मैंने लहसुन डाल दिया, 5 से 7 कलियाँ हैं, और अदरक 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 हरी मिर्ची कट करके मैंने बिल्कुल बारीक कट करके डालनी है दोस्तों। प्याज डाल दिया यहाँ पर, आधा कप प्याज, लगभग 2 छोटे प्याज है मेरे, 2 छोटे प्याज डाले हैं मैंने, और गाजर डाल दिया आधा कप के करीब में। 1 कप मैंने यहाँ पर बंद गोभी, जो बारीक मैंने इसको एक तरह से काट लिया, आप घिस भी सकते हैं। 1/4 कप यहाँ पर मैंने हरा प्याज लिया। तो दोस्तों चला लेंगे सारी चीजों, कुछ फ्लेवर के लिए चीजें इसके अंदर एड ऑन करेंगे। ये सोया सॉस डाल दिया मैंने 1 छोटा चम्मच, रेड चिली सॉस है ये दोस्तों, ये 1 बड़ा चम्मच है, और ये विनेगर है जो है 1 बड़ा चम्मच। तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे ये सारी चीजें डाल के, इससे हमारा जो मोमोज का फीलिंग है वो काफी फ्लेवरफुल बनेगी। अब इसमें कुछ चीजें डालेंगे, ये मैंने ऑरिगेनो डाला है, ये देखिए 1 छोटा चम्मच, चिली फ्लेक्स वो भी 1 छोटा चम्मच। इस तरह से आप बनाइए, इसकी फीलिंग बहुत झक्कास बनने वाली है। ये मैगी मसाला दोस्तों, थोड़ा सा फ्लेवर अलग करने के लिए, और बच्चों को भी बहुत भाता है, तो जो मैगी का मसाला होता है, 1 पाउच मैंने मैगी मसाला डाला है, मतलब लगा लीजिए इसमें 1 छोटा चम्मच, आप इसमें मैगी मसाला डाल सकते हैं। पूरा पाउच मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। सब चीजों को इस तरह से चलाते हुए, गैस हमारा लो एंड लो मीडियम पे चल रहा है, बस ज्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा थोड़ा सा हमारा सब्जी कुक होगा, आधी सब्जी हमारी कच्ची ही रहती है, मैंने गैस ऑफ कर दिया ठंडा होने के लिए। चलिए, मेरा आटा तब तक सेट हो चुका है। अब मैंने एक पेड़ा ले लिया उसका, अब बड़ी रोटी बना रही हूँ, जिससे कि एक टाइम में मेरे काफी मोमोज बनेंगे। आप चाहें तो छोटी छोटी लोइयों के भी मोमोज बना सकते हैं। तो एक इतनी बड़ी रोटी बना के आप मोमोज बनाइए, एक टाइम में काफी मोमोज बन जाएंगे और काम हमारा आसान हो जाएगा। तो मैंने कटोरी लेके इस तरह से कट कर लिया एक बड़ी सी रोटी बना के, ये देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और छोटे छोटे पेड़ों के द्वारा भी सिंगल सिंगल भी मोमोज बना सकते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरी फिलिंग ठंडी हो चुकी है, वो मैंने यहाँ पर 1.5 से 2 बड़े चम्मच फिलिंग इसके अंदर एड ऑन किया। जितनी बड़ी आपकी पूड़ी का साइज होगा, मोमोज का साइज होगा, उस हिसाब से इसके अंदर फिलिंग कम ज्यादा होगी। इस तरह से चुनट देते हैं ना दोस्तों, एक तरफ से उठाते हुए दूसरी तरफ से फोल्ड करते हुए, देखें एक हाथ से मैं, ये देखिए वहाँ सीधे यहाँ से चुनट उठा रही हूँ, लेफ्ट हैंड से उसको मैं इस तरह से दबाती हुई जा रही हूँ। तो ये हमारा
बहुत सुंदर सा रेगुलर मोमोज जो हमें अक्सर खाने को मिलता है, इस तरह से गोल कर लेंगे इसकी कैप को और ऊपर की तरफ इसे इस तरह से उठा के हल्का सा पुश कर लेंगे। एक ये भी साइज है जो गुजिया जैसा साइज होता है, वैसे भी मोमोज मिलते हैं, तो आप कोई सा भी ट्राई कर सकते हैं जो भी आसान लगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब मोमोज तैयार हो गए मेरे, गैस ऑन करके कढ़ाई रख ली और इसमें मैंने 2 से 3 बड़े गिलास पानी डाल देंगे, पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा। एक मैंने छन्नी ली है स्टील की जिसमें मैं मोमोज को स्टीम करूंगी। ये देखिए अच्छे से इसमें ऑयल अप्लाई कर लेंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया मैंने, इसको चारों तरफ फैला लेंगे और अपने मेरे जो मोमोज हैं जितने पीसेस में आएंगे इसके अंदर रख लेंगे। तो मोमोज को थोड़ी सी इसमें स्पेस रखना जरूरी है जिससे कि स्टीम अच्छे से लग सके, और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेंगे जिससे इसमें साइन भी आएगी और टेस्ट तो इन्हेंस हो गया ही। पानी देखिए हमारा उबल गया, इसी कंडीशन में अब हम अपना जाली रख देंगे जिसमें मोमोज मैंने सेट किए हैं। अब इसको दोस्तों 10 से 10 मिनट तक इसको हम स्टीम करेंगे, ठीक है। बीच में एक बार आप 5 से 6 मिनट के बाद देख सकते हैं, जब स्टीम हो जाएंगे तो इसके कलर भी चेंज हो जाता है, दूसरा स्किन पर काफ़ी साइन आ जाती है आपको दिख जाएगा, और अंदर जो हमने भरा हुआ है वो भी दिखने लगता है हल्का हल्का, तो ये एक निशानी रहती है। ये देखिए मेरे 10 मिनट हो चुके हैं, 10 से 12 मिनट तक आप कर सकते हैं इसको टोटल। तो मेरा मोमोज रेडी हो गए, गैस ऑफ करके मैंने सर्व कर लिया। ये देखिए झक्कास हेल्दी सूजी मोमोज एकदम स्पाइसी चटनी के साथ पेश है दोस्तों। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा प्याज डाल दिया। आपको थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगे उसको सब्सक्राइब करना, चैनल को बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों एक लाइक का बटन तो बनता ही है, नीचे बेल का निशान रहता है उसे जरूर प्रेस कीजिए वीडियो की नई नोटिफिकेशन के लिए। एक मैं मोमोज तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए अब मैं इसको टेस्ट करूंगी, टेस्ट करके बताऊंगी इसकी फीलिंग प्लस मोमोज कैसा बना है सूजी के। और भर भर के आके कमेंट कीजिए, मेरे हौसला अफजाई के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत नमस्कार।